नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामन देशमुख। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जरूरी खबरों के लिए देखते हैं फटाफट अंदाज में ताबड़तोड़ 50। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज भी होगी पूछताछ। इससे पहले कल शाम को ईडी की पूछताछ खत्म हुई थी, उनसे दो राउंड में पूछताछ हुई, करीब 55 सवाल उनसे पूछे गए। संसद में आज भी हंगामे की आशंका, विपक्ष उठाएगा सांसदों के निलंबन का मुद्दा। कल राज्यसभा से 19 सांसद एक हफ्ते के लिए किए गए थे सस्पेंड। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पार्थ और अर्पिता के बाद ईडी के रडार पर विधायक माणिक भट्टाचार्य, आज ईडी के अधिकारी करेंगे पूछताछ। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर आज आ सकता है सुप्रीम फैसला, कानून की संवैधानिकता को दी गई है चुनौती, तय हो सकते हैं ईडी के अधिकार। भोपाल के बीटेक छात्र की हत्या के मामले में एसआईटी आज से शुरू कर सकती है जांच। मामले पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिए जांच के आदेश, जिसके बाद एसआईटी का गठन किया गया। गुजरात के बोटाद में केमिकल पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 39, भावनगर के अस्पताल में 60 लोग अभी भी भर्ती। सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन ने जन सुनवाई के दौरान 8 महीने के बच्चे को गोद में उठाया, बच्चे को सीएम ने गिफ्ट में पेन दिया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर, मुठभेड़ में एक जवान घायल। हिंदुस्तान के कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी, राजस्थान में 48 घंटे भारी बारिश की आशंका, भोपाल में अगले 24 घंटे भारी बारिश के आसार, जबकि हरियाणा में 30 जुलाई तक तेज बारिश की चेतावनी। राजस्थान के जालौर में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, बांधों पर पानी आना जारी, भीनमाल से सांचौर जाने वाली सड़क पूरी तरह से टूटती नजर आई। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला समेत प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश जारी, बारिश ने आम जनजीवन को बुरी तरह से अस्त व्यस्त किया, बारिश की वजह से प्रदेश में 30 से ज्यादा सड़कें बंद, 87 ट्रांसफार्मर पड़े ठप। आंध्र प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से उफान पर नदी नाले, भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ी, तेज पानी के बहाव में कार बह गई, स्थानीय लोगों ने रस्सी की मदद से कार चालक को बाल बाल बचाया। हैदराबाद में भारी बारिश और बाढ़ का कहर जारी, पानी के तेज बहाव में फंसा एक बाइक सवार, ट्रैफिक पुलिस ने रेस्क्यू कर बाइक सवार को बचाया। राजस्थान के जयपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी दी। अजमेर, जोधपुर, उदय संभाग में ऑरेंज अलर्ट जारी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर में भारी बारिश जारी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारी बारिश बरसात बनी मुसीबत, पानी में डूबी सड़कें और पुल, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, सीहोर बगड़ में सड़क पर मलबा गिरने से नेशनल हाईवे बंद, लोगों की परेशानी बढ़ गई। जम्मू कश्मीर के रामबन में बनिहाल इलाके में 2 जगहों पर पहाड़ दरका, पहाड़ों से हुई ताबड़तोड़ पत्थरों की बारिश। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश की वजह से प्रशासन सतर्क, बंद किए गए सभी स्कूल, जिले के कई इलाकों में पानी भरने से लोग बेहद परेशान। राजस्थान के टोंक जिले में जबरदस्त बारिश के बाद बाजार में बनी दुकानों के बीच की सड़क पर समंदर की लहरों के जैसा तेजी से बहता दिखा बारिश का पानी, कई गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गईं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ताप्ती नदी के घाट पर सेल्फी लेने के दौरान एक लड़का नदी में जा गिरा, तैराकों ने रेस्क्यू किया। महाराष्ट्र के गोंदिया में भारी बारिश के चलते सड़कें बनी तालाब, कई इलाकों में भरा पानी ही पानी। राजस्थान के कोटा में भारी बारिश ने तबाही मचाई, भारी बारिश की वजह से पनवाड़ सामी से सटा सांगोद का अंतिम खजूरी गांव बना टापू, आवाजाही पूरी तरह बंद। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश के बाद रेल यातायात पूरी तरह प्रभावित, तो कुछ ट्रेनों को किया गया रद्द, कुछ के रूट बदले गए। महाराष्ट्र के वर्धा में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में घरों में पानी भरा, लोगों की परेशानी बढ़ी। राजस्थान के झुंझुनू जिले से हैरान करने वाली तस्वीर, तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आने से बाल बाल बचा स्कूटर सवार, हो सकता था बड़ा हादसा। यूपी के महोबा में मूसलाधार बारिश ने नगर पालिका की खोली पोल, 4 घंटे की बारिश में सड़कें दरिया में तब्दील, जलभराव से बढ़ी लोगों की दिक्कत। भारी बारिश ने पाकिस्तान के कराची में भी तबाही मचाई, कई बस्तियों में भारी बारिश के बाद सड़कों पर लबालब पानी, मकान दुकान सब जगह पानी भरने से लोगों की मुश्किल बढ़ गई। मंकी पॉक्स संक्रमण पर भारत में प्रशासन सतर्क, चंडीगढ़ पीजीआई के नेहरू हॉस्टल में बनाया गया वार्ड, लक्षण मिलते ही मरीज को जांच के लिए भेजने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश के शिमला से दर्दनाक सड़क हादसे का वीडियो सामने आया, एक ट्रक ने कई गाड़ियों को बुरी तरह रौंदा, पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। मध्य प्रदेश के इंदौर का एक वीडियो वायरल, वीडियो में एक लड़का शादी के लिए चाकू लेकर लड़की को धमकी देता नजर आया, लड़के ने लड़की पर चाकू से जानलेवा हमले की भी कोशिश की, पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर, 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर, हत्या लूट डकैती समेत कई मामलों में शामिल था। बिहार के गोपालगंज में साइकिल चोरी के शक में लड़के की पिटाई, लोगों ने बुरी तरह पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।
यूपी के जौनपुर में आपसी विवाद में जमकर चली लाठी डंडे, शहर के बीचों बीच काफी देर तक दबंग मारपीट करते रहे लोग, तमाशबीन बने रहे। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में आपसी विवाद के मुद्दे पर दो पक्षों में मारपीट, वहां मौजूद गाड़ियों में की गई तोड़फोड़, कई लोगों को आई गंभीर चोट। भोपाल के खंडवा में तीन सगी आदिवासी बहनों ने आधी रात को आत्महत्या की, घर के पीछे पेड़ से लटक कर जान दी, आत्महत्या के पीछे की वजह का अभी तक खुलासा नहीं। मध्य प्रदेश के मुरैना में तीन कांवड़ियों की मौत से नाराज लोगों का हंगामा, ट्रक में लगाई आग, फायर ब्रिगेड ने मुश्किल से पाया आग पर काबू। राजस्थान में कोटा थर्मल पावर प्लांट परिसर में अजगर ने कुत्ते का शिकार किया, कर्मचारियों में दहशत। मध्य प्रदेश के विजयवाड़ा में प्रशासन ने नष्ट की शराब की कई बोतलें, बुलडोजर चढ़ाकर नष्ट की गई शराब। यूक्रेन का रूसी सेना पर जोरदार पलटवार, यूक्रेन ने इन हमलों में रूसी सेना के कई अहम ठिकानों और हथियारों साथ ही बड़े गोदामों को तबाह करने का दावा किया। मिसाइल दागने का सिलसिला शुरू होते ही पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार, खौफनाक तस्वीर सामने। एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने उज्बेकिस्तान जाएंगे विदेश मंत्री, 28 से 29 जुलाई को उज्बेकिस्तान दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, 15-16 सितंबर को एससीओ सदस्यों के राष्ट्र प्रमुखों की बैठक की समीक्षा करेंगे। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में चलते ट्रक में लगी आग, ट्रक का क्लीनर आग में जिंदा जला, ड्राइवर की दर्दनाक हालत। महाराष्ट्र के जलगांव से एटीएम लूट की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई, जिसमें बेखौफ बदमाश एटीएम से 30 लाख रुपए लूटते नजर आए। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में तांबी नदी पर बने डैम में देखा मगरमच्छ, सैलानियों में डर। महाराष्ट्र के नासिक में रिहायशी इलाके में तेंदुए के हमले से हड़कंप, एक घर के बाहर से कुत्ते को उठाकर ले जाता हुआ तेंदुआ सीसीटीवी में रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को धर दबोचा, एक निजी यूनिवर्सिटी में घुस गया था तेंदुआ, छात्रों में दहशत का माहौल। परवेज इलाही पाकिस्तान के पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए पीएम शहबाज के बेटे हमजा शहबाज को पद से हटाया, परवेज इलाही का संगठन पीएमएलक्यू के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का सहयोगी दल है। अमेरिका के टेक्सास में डेलस एयरपोर्ट पर फायरिंग से मचा हड़कंप, पुलिस ने फायरिंग का वीडियो जारी किया, जिसमें एक महिला एयरपोर्ट के अंदर टिकट काउंटर के पास हवा में फायरिंग करती नजर आई। बोलीविया की राजधानी लापास में अचानक 13वीं मंजिल पर लगी भीषण आग, देखते ही देखते आग बिल्डिंग के पूरे हिस्से में फैल गई, हालांकि आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मशहूर टीवी एक्टर नकुल मेहता ने अपनी न्यूड फोटो शेयर कर रणवीर सिंह का किया समर्थन, नकुल ने रणवीर सिंह की फोटो को एडिट कर अपना चेहरा लगाकर उनको समर्थन दिया। 2025 में होने वाले महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा भारत, आईसीसी ने भारत की मेजबानी को लेकर महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का ऐलान किया, 8 देशों की टीम के बीच कुल 31 मैच खेले जाएंगे।